हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम लेकर आए हैं एंटोनेम्स और सिनोनेम्स। मतलब होता है एंटोनेम्स मतलब होता है विलोम शब्द और सिनोनेम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द मतलब कि एंटोनेम्स। तो एंटोनेम्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई शब्द होता है उसका उल्टा शब्द क्या होता है, जैसे सीधे का उल्टा उल्टा होता है। तो इस तरह से हमें सीखना है वर्ड के उल्टा क्या होता है किसी भी वर्ड का एंटोनेम्स। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है ऐड। ऐड का होता है सब्ट्रैक्ट। ऐड मतलब होता है जोड़ना और सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना। तो जोड़ने का उल्टा होगा घटाना। तो हमें पढ़ना है एंटोनेम्स। एंटोनेम्स मतलब होता है उल्टा। यहाँ पे आपने देखा है जोड़ने का उल्टा होता है घटाना। इसी तरह से अबेंडन मतलब होता है मेंशन। एबोलिश मतलब होता है रिटेन, मतलब कि एबोलिश का उल्टा होता है रिटेन। एडमिट का होता है डेनी। एलवेज का होता है नेवर। एलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। इसी तरह से हमेशा का उल्टा होगा कभी नहीं। असेंट मतलब असेंट का होता है एंटोनिम डिसेसेंट। एक्सेप्ट का होता है रिफ्यूज। एबव का होता है बिलो। एक्टिव का होता है एंटोनिम्स इनर्ट या पैसिव। एक्टिव का एंटोनिम्स पैसिव और इनर्ट दोनों होता है। इसी तरह से आंसर का होता है क्वेश्चन। आंसर का क्वेश्चन। आफ्टर का होता है बिफोर। आफ्टर का बिफोर। उसी तरह से देखिए, अवेक का होता है अस्लीप। अपीयर, अपीयर का एंटोनिम्स होता है डिसअपीयर या वैनिश। अलाइव का होता है डेड। अराइवल का होता है डिपार्चर। एब्सेंट का होता है प्रेजेंट। अटैक का होता है डिफेंड। कोल्ड का एंटोनिम्स हॉट। डिपार्ट का एंटोनिम्स होता है अराइव। डेंजर का एंटोनिम्स होता है सेफ्टी। डिफिकल्ट का होता है इजी। इवनिंग का होता है मॉर्निंग और एग्जिट का होता है इनर्ट। एग्जिट का होता है इनर्ट। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से और भी देखिए वर्ड्स हैं। अगेंस्ट का होता है फॉर। बिफोर का होता है आफ्टर। बोल्ड का होता है टिमिड। बोल्ड का क्या होता है एंटोनिम टिमिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये टिबिट। बिल्ड का होता है डिस्ट्रॉय। बाय का होता है सेल। ब्रेक का होता है फ्रंट। बैक का होता है फ्रंट। बॉटम का होता है टॉप। बैड का होता है गुड। बैड का होता है गुड। बोरो का होता है लैंड। ब्रेव का होता है कैवर्डली। गिव का होता है टेक। गिल्टी का होता है इनकरेंट। गेन का होता है लॉस। गो का होता है कम। गो का होता है कम। यहाँ पर देखिए, गो का होता है कम और हाई का होता है लो। और इसी तरह से देखिए, हाई का होता है लो और हार्ड का होता है एंटोनिम सॉफ्ट या इजी। और होप का होता है डिसअपीयर। होप का होता है डिसअपीयर। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है जो एग्जिट का होता है इनर्ट, हमने देखा था। इजी का है कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट। इजी मतलब होता है सरल, कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही जटिल और डिफ़िकल्ट मतलब होता है बहुत ही कठिन। एंड बिगनिंग, एंड मतलब होता है अंत और बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत। तो एंड का होगा बिगनिंग एंटोनिम्स। एक्सपर्ट का होता है इम्पोर्ट। एक्सटर्नल का होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर और इंटरनल मतलब होता है अंदर। एम्प्टी का होता है फुल। यह है खाली और ये भरा हुआ, इसका उल्टा हो जाएगा भरा हुआ। इवन का होता है ऑड। फॉलो का एंटोनिम्स होता है लीड। फॉल्स का होता है ट्रू। फॉल्स का एंटोनिम्स होता है ट्रू। फ्रेश का होता है स्टेट। आउटस्टैंडिंग का होता है अवेयर। आउटस्टैंडिंग का होता है एवरेज। ओल्ड का होता है न्यू। ऑर्डिनरी का होता है स्पेशल। ऑर्डिनरी का होता है स्पेशल।
परसियस का होता है चीफ, और पुअर का होता है रिच, पुअर का एंटोनिम्स होता है रिच, और प्राइवेट का होता है पब्लिक, और पास का एंटोनिम्स होता है फेल, पास का एंटोनिम्स होता है फेल। तो इतने सारे हमने एंटोनिम्स आज सीखे हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।